हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, दीपक भाई को छोड़ने जा रहा हूँ। इधर से सामान सामान पूरा अच्छे तरीके से पैक हो रखा है, रैप वैप हो गया है। अभी पहले हम मेट्रो से जाएंगे, फिर उसके बाद टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट। तीन मिनट में मेट्रो आने वाली है। यहाँ नीचे से लेनी है आप टैक्सी, फिर वहां से एयरपोर्ट। मिल गई है, ये जा रहा है। अब मैं भी चलता हूँ वापस। चलो जी, अब वो यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा, टर्मिनल 2। यहाँ पे 1 और 3 में जाने के लिए तो बहुत इजी है, मेट्रो से जा सकते हैं, बट 2 में जाने के लिए थोड़ा ऑफ साइड है। और यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी कम ही मिलती हैं। यहाँ तक तो मेट्रो से आए थे, बट यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और है, तो यहाँ से टैक्सी से जाना पड़ता है। मैं आ रहा हूँ रूम की तरफ। मैंने ले लिया है एक रोटी, अभी तो रोटी का भी प्राइस बढ़ गया है। तो गाइज अभी भाई तो पहुँच गया है एयरपोर्ट, पास में ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ पे टैक्सी से 12 दिरहम लगा। तो जहाँ पे हम वेट कर रहे थे टैक्सी के लिए, वहाँ पे एक बंदा आया था प्राइवेट टैक्सी को लेके, तो एयरपोर्ट जाने का 30 दिरहम बोल रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पैसे ज़्यादा ले रहा था, बट कभी भी प्राइवेट टैक्सी को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आरटीए की टैक्सी होती वही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी आरटीए वाले ने पकड़ लिया प्राइवेट टैक्सी से पैसे देते हुए या कुछ भी उनमें घूमते हुए, और आप पैसे दे रहे हैं, आप उनका यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट टैक्सी का, तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन पड़ सकता है। एक तो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, उल्टा आप फंस भी सकते हो। जैसे एक बारी हम होटल से निकल रहे थे खाना खा के, रात के 12 बज रहे थे, तो उन्होंने उनको कोई टैक्सी नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि मिले टैक्सी खोज लो। तो मैंने भी खोजने की कोशिश करी उनके साथ टैक्सी, उसके बाद टैक्सी मिली नहीं। तो प्राइवेट टैक्सी वाला आया, तो तब उन्होंने बाद में मेरे को फ़ोन किया कि भाई प्राइवेट टैक्सी में तो आए हम, बट हमें आरटीए ने पकड़ा। तो वो फैमिली के साथ थे, तो और विजिट वीज़ा पे थे, तो उनको ज़्यादा कुछ तो बोला नहीं उन्होंने आरटीए ने, बट उनको वार्निंग ज़रूर मिली है।